हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का जो इंटरव्यू चल रहा है और आज 27 नवंबर को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कुचालक किसे कहते हैं। कुचालक के बारे में आपको बताना है, कुचालक किसे कहते हैं। तो कुचालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, लकड़ी हो गया या अभ्रक हो गया, ये सब कुचालक होते हैं, मतलब कि इंसुलेटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो पूछा गया है वो है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही वित्तीय वर्ष होता है। और इसके बाद देखिए जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो है, एक्टिव सेल के कंटेंट्स कहाँ पर दिखाई देता है। तो एक्टिव सेल के कंटेंट फार्मूला बार में दिखाई देता है। और इसके बाद है, बजट लेखा जोखा किसे कहते हैं। तो इसे चलिए देखते हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल का आइकन पर क्लिक जरूर कर लेंगे। और देखिए यहाँ बजट लेखा जोखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यह है, वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा जोखा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया है, नेफ्ट का पूरा नाम बताना है। नेफ्ट क्या होता है? नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है। ये शायद एक बार और पूछा गया है इसी इंटरव्यू में। और इसके बाद देखिए, निवेशक किसे कहते हैं। तो निवेशक उन व्यक्तियों या संस्थाओं को कहा जाता है जो किसी योजना में अपना धन निवेश करते हैं। और निवेशक उन व्यक्ति या संस्थाओं को कहा जाता है जो किसी योजना में अपना धन निवेश करते हैं। और निवेशक कई प्रकार के होते हैं, और जैसे मैं कौन कौन से निवेशक होते हैं, व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होते हैं और विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं। तो ये 3 तरह के निवेशक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, साथ ही साथ आप लोग लाइक भी करते चलिएगा क्योंकि आपका 1 लाइक मेरे वीडियो को प्रमोट देता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, यह है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है। तो थारू जनजाति के लड़के लड़कों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 360 से 15% अधिक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अगर इतना आएगा तो ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अगर कुछ दूसरा आए तो। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है मैथ से ही ये क्वेश्चन है, 20%, 10%, 5% की समतुल्य बट्टा क्या होगी। समतुल्य बट्टा आपको निकालना है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है लेकिन आप लोग सॉल्व करके बता दीजिएगा कि कितना होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट कुछ लोग नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 2600 रुपये में कितना शेयर खरीद सकता है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया है, 200 आ रहा है, तो 200 शेयर खरीद सकता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बूट होने के बाद, ये कंप्यूटर से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहाँ पर। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह स्थान क्या कहलाता है। जैसे बूट होने का मतलब कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आप डेस्कटॉप को देखते हैं। तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा कि डेस्कटॉप बूट होने के बाद आपका कंप्यूटर तैयार कर उपयोग के लिए तैयार जब हो जाता है तो सबसे पहला आपको जो दिखाई देता है वो डेस्कटॉप दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के नीचे, ठीक नीचे टाइटल बार, जैसे ऊपर में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ठीक, वो उसके ठीक नीचे कौन सा बार होता है। तो मीनू बार होता है, इसे मीनू बार कहते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चंस एक दो बार और पूछा गया है इंटरव्यू में ही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विंडोज को अपडेट किस टूल के मदद से करते हैं। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, विंडो को अपडेट किस टूल के माध्यम से करते हैं। तो विंडो अपडेट के माध्यम से विंडो को अपडेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, यूटीआई क्या है। यूटीआई के बारे में बताना है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, ये यूटीआई का फुल फॉर्म हो गया। इसे
ये एक दो बार और पूछा गया है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए, जितने भी मैंने वीडियो इंटरव्यू के बनाए हैं वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा सारे वीडियो देखने से। और दो तीन बार, सिर्फ एक वीडियो को दो तीन बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो वो आपके सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और जो आपको इंटरव्यू में बहुत ही आसानी होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पूछा गया है जो हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है, 14.4 होता है। इसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है। और आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के बीच में कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी भला हो सके, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।